नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। एयर इंडिया की चंडीगढ़ लेह फ्लाइट के दौरान पायलट ने गर्लफ्रेंड को कॉकपिट में आने की अनुमति दी। इस मामले में डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने पायलट का लाइसेंस एक साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। इस फ्लाइट के को पायलट का लाइसेंस एक महीने के लिए सस्पेंड किया गया है क्योंकि उसने महिला को कॉकपिट में आने से रोका नहीं और न ही इस घटना की सूचना दी। घटना 3 जून को फ्लाइट नंबर AI-458 में हुई थी। एयर इंडिया के विमान में पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है। 27 फरवरी को एयर इंडिया की दुबई दिल्ली उड़ान के दौरान एक पायलट ने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉकपिट में जाने की परमिशन दी थी। दोनों वहां एक घंटे रहे। पायलट ने क्रू से उसके लिए तकिए मंगवाए और शराब परोसने को कहा। क्रू ने कॉकपिट में शराब परोसने से मना किया तो पायलट भड़क गया और उसने उनके साथ अभद्रता की। इस मामले में DGCA ने एयरलाइन को जाँच पूरी होने तक सभी क्रू मेंबर्स को हटाने का निर्देश दिया था। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।